सबसे पहले रूल नंबर वन, ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं पूरी कहानी एक लाइन में खत्म ही कर दूं ताकि आपको टेंशन ही ना हो। सबसे पहले रूल नंबर वन, दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी की थी। पहली स्पेसिफिक हीट है स्मॉल सी और एक है बड़ी सी। इसको तो बोलते हैं नॉर्मल स्पेसिफिक हीट, लेकिन इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट। हीट का फॉर्मूला क्या है? क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है तो यहां पर मास लगा होगा, लेकिन अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स लगाते हैं तो ये बड़ा सी हो जाएगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो छोटे सी के यूनिट हैं क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी, और बड़े सी के यूनिट हैं क्यू डिवाइडेड बाय म्यू इंटू डेल्टा टी। तो इसके यूनिट होंगे या तो जूल पर ग्राम या पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट्स होंगे, या फिर इसके यूनिट्स होंगे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी होगा इसमें से। तो ये सिंपल स्पेसिफिक हीट है। मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट है जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? रूल नंबर वन, स्मॉल सी और कैपिटल सी की कहानी तो हो गई क्लियर, ठीक है, क्या डिफरेंस है। अब दूसरी चीज, कैपिटल सी से स्मॉल सी, स्मॉल सी से कैपिटल सी को कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ लो। कैपिटल सी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू स्मॉल सी। भाई अगर छोटा सी नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है उसको मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट पर ग्राम होती है, मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करने से वो ऑटोमेटिकली पर मोल हो जाती है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो जैसे अगर ये सीवी है, छोटा सीवी है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये बड़ा सीवी है, तो ऐसी बड़ा सीपी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू सीपी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो हमें अगर छोटे स्पेसिफिक हीट से मोलर स्पेसिफिक हीट में या मोलर स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट में अपने आप को कन्वर्ट करना है, हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी क्लियर है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम कि अगर आपके पास कोई भी एक गैस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गैस है और पिस्टन लगा हुआ है, और अगर मुझे इस गैस को का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय डेल्टा टी, तो मेरे को हीट देनी पड़ी 10 जूल, और जिससे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब हम बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई डीयू, ठीक है, डीयू इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ गया। और जब किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, समझो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सारी की सारी हीट जो मैंने दी डी क्यू, वो कहां कन्वर्ट हो गई? वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग गई और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर आप बात करते हो कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और ये कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन ऊपर मूव करेगा और वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसमें 12 जूल की हीट देते हो, या आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से 10 जूल तो ये कंज्यूम कर जाएगा इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और जब हम बोलते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज माना जाएगा, तो वो तो एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, और बाकी अमाउंट का क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो इस केस में कॉन्स्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट देनी पड़ती है एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हमें सारी की सारी हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाती है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम तो करना ही करना है, साथ में पिस्टन को भी ऊपर मूव करवाना है, दो काम करने पड़ते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा काम करना पड़ता है, हीट ज्यादा देनी पड़ती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम देनी पड़ती है। पहला रूल क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, डी क्यू ये रहा, इसमें कांस्टेंट प्रेशर में डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, इसमें से कुछ अमाउंट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, और कुछ अमाउंट का क्या हो गया? वर्क डन हो गया। तो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। तो इसमें जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम किया था, इंपॉर्टेंट है, आप देखो बताने जा रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम किया था, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी उसमें? जीरो। तो जब मैंने फर्स्ट लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाया, तो मेरे को वर्क डन तो जीरो लेना था। तो जो भी मैंने हीट दी, वो सारी की सारी हीट किसमें कंज्यूम हो गई? इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो डी यू और डी क्यू में फर्क नहीं है। तो यानी कि इस केस में डी यू की वैल्यू कितनी है? 10 है। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर की बारी आई,
तो मेरे को डीयू से काम नहीं चला, मेरे को डीयू से ज्यादा एनर्जी देनी थी डीक्यू। अब डीक्यू और डीयू इसमें एक बात नहीं है, डीक्यू बड़ा होगा डीयू से, क्योंकि कुछ अमाउंट का क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब किसी ने कहा कि सर डीयू की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, डीयू की वैल्यू यहां पर 10 जूल पुट करते हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर ये डीक्यू की वैल्यू निकलेगी कैसे, अभी अभी इमेजिन करो, मैंने आपको अभी अभी बताया, मान लो इसमें 1 मोल ऑफ गैस है, इसमें 1 मोल ऑफ गैस है, तो 1 मोल के लिए डीक्यू या डीयू, इस केस में डीयू बोला जाएगा, डीक्यू या डीयू एक ही बात है, 1 बड़ा C dT कर देते हैं, NCdT, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस लिया तो C कौन सा यूज करेंगे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dT। तो किसी ने कहा सर इसका मतलब ये डीयू है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस केस में ये डीयू है, ठीक हो गया, ये स्टेप क्लियर है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे काम चल रहा है तो CV लगाना पड़ेगा। लेकिन जब स्टूडेंट ने कहा कि सर यहां पर डीक्यू की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1 CdT, मैंने कहा बिल्कुल पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, वो क्यों, क्योंकि देखो दोनों केस में नंबर ऑफ मोल तो है सेम, डीटी भी सेम है, मुझे यहां पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देनी है तो ऑब्वियसली मैं क्या चीज इंक्रीज करूंगा, सीपी, तो ऑब्वियसली सीपी को तो बड़ा रखना पड़ेगा सीवी से, तभी मेरे को हीट 10 की जगह 12 जूल देनी पड़ेगी, ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो इसमें डीक्यू जो देना है उसमें सीवी यूज नहीं कर सकते, उसमें बड़ा सी यूज करेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू ऑफ सी यानी कि सीपी यूज करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसका मतलब यहां पर इस स्टेप में मैं डीक्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1 CpdT। अब किसी ने कहा सर डीयू, मैंने कहा डीयू तो सेम है, 10 का 10 जूल उठा के यहीं से कॉपी कर दे, तो 1 CvdT, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वर्क डन क्या होता है, P∆V, ∆V की जगह फिजिक्स वाले क्या यूज करते हैं, PdV। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कांस्टेंट प्रेशर पे काम होगा तो हीट में सीपी यूज करेंगे, क्योंकि सीपी बड़ा है तो ज्यादा हीट आएगी, और इसके अंदर सीवी यूज करेंगे, वो वहां से कॉपी करके लगा दी, तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, साथ में वर्क डन भी करना पड़ेगा। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहां तक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, कोई न्यूमेरिकल आ जाए थर्मोडायनेमिक्स का या कोई भी फिजिकल न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें डीयू निकालना हो, कभी भी डीयू की कैलकुलेशन में कभी भी यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं, कभी भी गलत होने का चांस ही नहीं है, डीयू की कैलकुलेशन में कभी सीवी सीपी यूज होता ही नहीं, डीयू हमेशा सीवी से निकलता है, वो देखो, क्योंकि डीयू का मतलब चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर आपको निकालना है तो आपको पिस्टन को ऊपर मूव करने से रोकना पड़ेगा, तभी सारी एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो सीपी है वो ग्रेटर देन क्या होगा, सीवी होगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर सीपी और सीवी की रिलेशन आएगा। अब ये देखो इसमें क्या किया हुआ है, पेपर में आएगा कि प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स निकालो, और प्रूव करो सीपी ग्रेटर देन सीवी है, या प्रूव करो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है। तो ये रिलेशन प्रूव करने को आता है, तो आपने क्या करना है पेपर में, एनसीईआरटी में 1 मोल ऑफ अ गैस जरूर लिखना है, आपने गैस के सिलेंडर में लिया तो पिस्टन का एरिया ए या क्रॉस सेक्शन ए है, हीट इज सप्लाई टू द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और उसके बाद कॉन्स्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ यूज करना है। फर्स्ट लॉ में डी क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, 1 CpdT, पर डी यू की कैलकुलेशन में हमेशा क्या यूज करेंगे, 1 CvdT, और यहां पर PdV। प्रॉब्लम यह है सीपी सीवी ये सब कैलोरीज में ज्यादा चलती है, हीट की कैलकुलेशन कैलोरीज में होती है और PdV जूल में होता है, तो हमें ऐसा नहीं कर सकते ना कैलोरी और जूल, या तो तीनों एनर्जी जूल में हो या तीनों की तीनों कैलोरीज में हो, तो क्या करेंगे, ये कैलोरीज हैं और ये क्या है, जूल, जूल को 4.2 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में, तो 4.2, तो हमने यहां जे लगा दिया ताकि ये भी कैलोरीज पर मोल, ये भी कैलोरीज पर मोल, ये भी कैलोरीज पर मोल चलेगा। तो यहां से 1 मोल के लिए क्या करेंगे, PV = 1 RT, अगर हम स्मॉल चेंज लें वॉल्यूम में तो PdV बनेगा और ये DT बन जाएगा, केमिस्ट्री में करते भी हैं P∆V R∆T, तो यहां पर PdV = RdT, तो इस PdV की जगह पुट करेंगे RdT, DT कैंसिल, ये प्रूव करने को आएगा CP - CV = R/J, लेकिन ये तो J तब लगता है जब ये कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हो, ये भी कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हो, और ये कैलोरीज ना हो जूल पर मोल हो, तो जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए जे लगता है। पर मान लो एक स्टूडेंट कहता है सर मैं तो ये मानता हूं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है ना इसके यूनिट जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हैं,
और इसके भी जूल पर मोल है, तो फिर मैं जे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी किसमें काम चल रहा है, जूल में चल रहा है, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे रिलेशन में जे नहीं आता। ज्यादातर न्यूमेरिकल में जे यूज नहीं होता। इसका मतलब है आर यानी कि जूल पर मोल में चल रहा है, तो ये भी जूल और जूल पर मोल ही चल रहे हैं, इसमें कोई कन्वर्जन का चक्कर ही नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा यूनिट्स लगा के कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें जे का चक्कर ही खत्म है, बताता हूँ क्या है। तो ये सी, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी, आर पॉजिटिव क्वांटिटी है, सी पी ग्रेटर देन सी वी, तभी डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी। क्लियर है यहाँ तक? मैं ये ऐसे बता रहा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा याद करते हैं, जे का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहले बड़ा यूज कर रहा हूँ सी पी माइनस सी वी की वैल्यू, अगर आर यूज करनी है तो आर की वैल्यू क्या होती है 8.31, यूनिट्स क्या होते हैं जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको ये एज्यूम करना है कि अगर आप जे नहीं यूज कर रहे, इन दोनों के यूनिट्स भी एग्जैक्टली सेम ही हैं, ये लो ऐसे सेम है, तो जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये भी और ये भी, कोई डाउट इसमें? तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, तो फिर कोई जे का चक्कर नहीं है, सबके यूनिट सेम है, बात खत्म। तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर ये चलता है। तो जब ये चलेगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आपको ना इसके यूनिट्स देखने पड़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर जूल पर मोल चल रहा है फिर 8.3 कुछ नहीं करना, बात खत्म। नंबर टू, अगर आपको न्यूमेरिकल में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू जो भी यूज करना है, लेकिन याद रखना अगर ये आपको किसमें गिवन है, कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है ऐसे, तो फिर मैं 8.31 को जे से डिवाइड करूंगा। जे की वैल्यू 4.2 होती है, 8/4 कितना होता है 2, तो 2, तो यहां पर सीधा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आर के दो वैल्यूज होती हैं 8.31 और दूसरा क्या होता है 2, अप्रोक्सीमेटली 2। तो यूनिट्स क्या है, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। बस मेरे हिसाब से जे का चक्कर छोड़ो, अगर न्यूमेरिकल कैलोरीज में चल रहा है तो इनका डिफरेंस 2 ले लेना, अगर न्यूमेरिकल जूल्स में चल रहा है तो फिर 8.31 ले लेना। नोट कर लो फॉर्मूला बुकलेट में। देखो वैसे तो 1.98 होती है, पर अप्रोक्सीमेट ऑब्जेक्टिव में 2 चलता है। ठीक, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसको 1.98 कर लेना, एग्जैक्ट आंसर देगा आपको, एग्जैक्ट देगा।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखो इसमें जो क्रिएट कर देगा कोई भी बुक वाला, वैसे मैं नहीं करूंगा लेकिन काफी किताबें वाले ऐसा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। वो ये करते हैं कि इसमें सपोज करो ये सी पी है, ये सी वी है, और इसकी वैल्यू क्या है 8.31 है ना, ये जूल पर मोल जो भी आप ले रहे हो ये लो, ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये तो पर मोल है, पर मोल का मतलब यहां पर कितने मास के लिए कैलकुलेशन हो रही है, मॉलिक्यूलर मास इतनी कैलकुलेशन हो रही है, मुझे भी पर ग्राम चाहिए। अब जैसे ही वो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करता है तो बड़े सी की जगह छोटे सी की बात करता है, क्योंकि छोटे सी ऐसी बातें करता है, पर ग्राम, पर मोल तो बड़ा सी करता है, मोलर स्पेसिफिक हीट करता है। तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम इनटू छोटा सी पी, कैपिटल एम इनटू छोटा सी वी इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे होगा। तो छोटा सी पी माइनस छोटा सी वी इज इक्वल टू 8.31 बाई कैपिटल एम, तो ये जूल पर क्या बन जाएगा, पर ग्राम बन गया आगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का डिफरेंस अब 8.31 नहीं है, 8.31 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम है। अब हर गैस का कैपिटल एम डिफरेंट है, तो ये रेशियो हर गैस के डिफरेंट है, तो आप इस रिजल्ट को याद नहीं कर सकते, यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं है ये। पर कई बुक्स और कॉम्प्लेक्स करती हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते, इसको आर मानते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू छोटा आर, वेयर छोटा आर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट भाई, ये हर गैस का डिफरेंट होगा क्योंकि कैपिटल एम हर गैस का डिफरेंट है। तो मैं आपको ये क्यों कंफ्यूजन की स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप कोई किताब पढ़ लेंगे वो किताब वाला ना उलझा देगा, आदत है किताब वाले की, वो ना छोटा आर यूज करना शुरू कर देता है। अब जब वो छोटा आर यूज करता है ना, मेरे को पसंद नहीं है, हर न्यूमेरिकल में छोटा आर कैलकुलेट करना पड़ता है 8.31 बाय कैपिटल एम, मैं इसको यूज ही नहीं करता, मैंने फॉर्मूला एक याद किया हुआ है। अगर वो पर ग्राम बोलेगा मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा कर दूंगा, नहीं तो बस मैं ऐसे ही काम करूंगा। 99% क्वेश्चन में पर ग्राम नहीं बोलता, पर मोल बोलता है, तो ये रिजल्ट एकदम सफिशिएंट है। बोल देगा पर ग्राम तो कोई बात नहीं, फिर एक स्टेप और एक्स्ट्रा करके निकाल देंगे, पर इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है इसमें? तो आप अगर ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ तक तो हो गया, वो कह रहा है सी पी माइनस सी वी आर है, अगर मुझे एक ग्राम का निकालना है तो कैपिटल एम लगा के इसको डिवाइड कर दूंगा, फिर आर बाय एम को स्मॉल आर पुट कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई किताब करती है तो करती रहे, हम नहीं करेंगे, हम तो अपना काम इसी से करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो अब एग्जाम्पल्स के ऊपर चलते हैं।